वेलकम बैक आगे बढ़े और आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट ने सबक वजी अला पंजाब परवेज़ लाही जारा लाही और रास्ते लाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया लाहौर हाँ कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास पर फैसला सुनाया दायर दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया था कि वफाकूमत ने परवेज लाही जारालाही का नाम गैर कानूनी तौर पर पी सी एल में शामिल किया है दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि लाहौर हाईकोर्ट परवेजलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे तेरिक साफ़ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरेशी को सख्त सिक्योरिटी में डियाला जेल से लाहौर लोकोट लखपत जेल मुंतकल किया गया समात के बाद उन्हें फिर से डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया लाहौर पुलिस के जे आई टी टीम ने शाह महमूद कुरेशी से दहशतगर्दी के मुख्तफ मुकदमात में अड्याला जेल में तफ्तीश मुकम्मल की थी जिसके बाद उन्हें इंसदा दहशतगर्दी ददालत लाहौर के सामने पेश किया जाना था शाह महमूद कुरेशी को सहाना नामई से मुतलिक लाहौर में दर्ज मुकदमात की समात में इंसदा दहशतगर्दी दालत में पेश किया गया जिसके बाद उन्हें सख्त सिक्योरिटी में लाहौर के कोर्ट लखपत जेल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया कराची में दहशत के लिए खौफ की अलामत समझे जाने वाले जीएसपी सी टी डी अली रजा शहीद को सपर्द खाक कर दिया गया वजीर अली शाह वजे दाखिला आई जी सैन समेत अहल खाना समेत दीगर अजीजो अकरबा ने शिरकत की एस सीटीडी अली रजा का सफर आखरत नमाज जनाजा इंचोली इमाम बारगाह में अदा नमाज जनाजा में वजीर अलींधी दाखिला आई जी सिंध एडिशनल आई जी समेत आला हुकाम ने शिरकत की पुलिस के चाको चौबन दस्ते ने शहीद डी एस पी अली रजा को सलामी दी हा, हा, हा। वजीर आलसीन ने शहीद अफसर के जसद खाकि पर फूल रखे अलामा हसन जफर नकवी ने कहा की कराची में अमन कायम करने में अहम किरदार अदा करने वालों की टारगेट किलिंग से हौसले कम नहीं होंगे शहीद डी एस पी को वादी हुसैन कब्रिस्तान में स्पुरखा किया गया डी एस पी अली रजा गुजशतर रोज करीमाबाद में नामालू मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग ऐसी शहीद हो गए थे आगे बढ़े और आपको बताए सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के खिलाफ केस मेंजारत दाखिला की जानब ऐसी एक और जवाब जमा करा दिया गया जवाब में कहा है कि एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे सोशल मीडिया खासतौर तो पर एक्स पर मुल्की दानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है सिंध कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में वजारत दाखिला का कहना है कि दरख्वास्त नाकबले समात है वजारत दाखिला का, का काम पाकिस्तान के आवाम के हकूक का तहफ़ करना है एक्स पर पाबंदी आर्टिकल उन्नीस की खिलाफ वर्जी नहीं है आर्टिकल उन्नीस आज़ादी ज़ार राय की इजाज़त देता है ताहम आजादी ज़हार राय पर कानून के मुताबिक कुछ पाबंदी भी होती है सोशल मीडिया खासतौर पर एक्स पर मुल्की दारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है जवाब में कहा गया कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इसकाम फैलाना चाहते हैं इसी तरह के खदेशत के बाद पाकिस्तान पहले टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद कर चुका है कीनिया में अरशद शरीफ केस का फैसला केनिया की हाई कोर्ट ने पुलिस की जानब से अर्शद शरीफ की शनाख्त में गलती का मौकफ मुस्तरद कर दिया जस्टिस टैला ने अरशद शरीफ पर फायरिंग इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी और गैर कानूनी करार दे दिया मुल पुलिस अहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत कर दी कनिया की हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ की फैमिली को दो करोड़ सत्रह लाख हरजाना देने का हुक्म भी दिया जस्टिस टैला मोटोके ने फैसले में लिखा कि पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी है दरख्वास्त में जिन दारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है जिसे जिंदगी जीने का हक हासिल है अरशद शरीफ की अहलिया ने अपने पैगाम में कहा कि मैं और आप सबकीनिया में अरशद शरीफ का केस जीत गए हैं रुख करते हैं बैन अमी मंजरनामे का भारतीय शहर मुंबई में छह घंटे में तीन सौ मिलीमीटर बारिश ने मामूलाते जिंदगी दरहम भरम कर दिए तीस पर वाज और दो सौ पचास से जायद तखिर का शिकार हो गई महकमा मौसम ने मजीद बारिश की पेशगोई करके खतरे की घंटी बजा दी भारतीय शहर मुंबई में शदीद बारिशों के बायस सलाबी सूरतहाल का सामना है रात गए बारिश शुरू हुई जो सुबह तक जारी रही सड़कों और रेलवे स्टेशन पर पानी जमा होने से ट्रांसपोर्ट की सहूलियात शदीद मुतासर हैं मुंबई एयरपोर्ट पर तीस परवाजें मनसूख और दो सौ पचास से जायद तखिर का शिकार हुई मजीद बारिश के पेश नज़र स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद खतरे के पेश नज़र शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत कर दी है लंदन में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फिजिशियंस एंड सर्जन बरतानिया के तंजीम के बेस साल मुकम्मल होने पर खी तकरीब का किया गया देखते हैं लंदन से आमना चौधरी की यह रिपोर्ट लंदन के मकामी होटल में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फिजिशियंस एंड सर्जेंस की तकरीब हुई बरतानिया भर से डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई मशहूर गुलना वालिया ने गीत गाकर तकरीब को प्रौनक बना दिया इन डॉक्टरों को जो एन एच एस में बेहतरीन पेशा वराना खदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उनकी नुमाया कारदगी पर एवार्ड भी दिए गए एसोसिएशन के डॉक्टरों का कहना था कि की एसोसिएशन पाकिस्तानी डॉक्टरों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है दुनिया के मुख्त हिस्सों में छत्तीस प्रोजेक्ट आरोप तंजीम काम कर रही है जिनमें पाकिस्तान मोबाइल हेल्थ क्लिनिक पैरामेडिकल स्टाफ बुनियादी देखभाल नागहाना आफात में इंसानियत की खिदमत जैसे काम शामिल है आखिर में हलफ लेने की भी तकलीफ हुई बहरा रूम में तारकने वतन से भरे एक ही माहे गर जहाज को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यूनानी जजीरे के करीती पर पहुंचा दिया गया जहाज में दो सौ अड़तालीस तारकिन वतन संवारते हुकाम के मुताबिक तारकिन वतन में कोई भी ज़ख्मी या बीमार नहीं है तहम अभी तक इस बात का वाज तौर पर ऐलान नहीं किया गया कि तारकिन वतन का ताल्लुक किन ममालिक से है फ्रांसीसी पार्लियामेंट में फलस्तीन के लिए आवाज़ उठाने वाले मुतहरिक रहनुमा का दबंग ऐलान फ्रांस की मेंबर पार्लियामेंट मैथोलट पेनोट ने दो हफ्तों के अंदर रियासत फलस्तीन को तस्लीम करने का वादा कर दिया इंतखबा में सब जमातों से ज़्यादा नशस्तें हासिल करने वाली जमात फ्रंट पॉपुलर की मुतहरिक रहनुमा का अहम तरीन ऐलान सामने आ गया मैथोलेट ने गुज्तर कौमी इसम्बली में एल एफ आई ग्रुप की सदर थीं मैथोलेट फलस्तीन के लिए कौमी इसम्बली में आवाज़ उठाती रहीं जबकि फलस्तन के लिए होने वाली मुजाहरों में भी मुसलसल शिरकत करती रही हैं सऊदी वजर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से आयरलैंड के नायब वजी आजम वजर खारजा और वजे दफा ने टेलीफोनिक पर रता किया रबे के दौरान सऊदी अरब और आयरलैंड के दरमियान दो तरफ़ा तल्लु का जायजा लिया गया मुख्तलिफ शोबों और यूरोपी यून के फ्रेमवर्क के अंदर तल्ल मजबूत बनाने गजा और लबनान की सूरतहाल पर भी तबादला ख्याल किया गया दोनों मुल्क इस साल दो तरफ़ा तल्लु के क़्याम की पचासवीं सालगराह मना रहे हैं सऊदी फरमरवा शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमीर कोत शेख मशल अलहमद सबा से शेख अली अब्दुल अल्लाह सालम की वफात पर इजहार ताज़ीत किया है शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमीर कोत को अलग अलग ताजियाती पैगाम भेजाए हैं जिसमें गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया गया सऊदी वली अहद ने कोती हम मनसब सबा खालिद अलहमद अलमबारक अलसलाह से भी इजहार तज़ीत किया इंडोनेशिया के जजीरे सवालवेसी में सोने की कान बैठ गई जिसके नतीजे में ग्यारह अफराद दबकर हलाक हो गए हुकाम के मुताबिक शदीद बारिशों के बाइस रेस्क्यू के काम में मुश्किल का सामना है कान में तैंतीस अफराद काम कर रहे थे जिनमें से ग्यारह अफराद हलाक हो गए शदीद बारिशों के बाईस लैंड स्लाइडिंग की वजह से हादसा पेश आया हुकाम के मुताबिक सोने की कान में काम करने वाले पाँच अफराद को जिंदा बचा लिया गया है और सत्रह अफराद अब तक लापता हैं शदीद बारिशों के बाईस रेस्क्यू के काम में मुश्किल का सामना है बात कर लेते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल की मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी मानसून बारिशों का आगाज हो गया कराची के कई इलाकों में बारिश बेशतर मकामा पर मुतला बर आलूद रहा कराची में मानसून बारिशों का आगाज हो गया कई इलाकों में रिमझम कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई गुल्चम एमार वेरिया टाउन एम नाइन समेत मुल्क इलाकों में बादल बरसे बारिश वाले इलाकों में मौसम खुशगवार दीगर इलाकों में मौसम हफ्स जदा और आसमान पर काले बादल छाये रहे महकमार के मुताबिक सिंध भर में बहरा अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला मुसलसल असरअंदाज हो रहा है जिसके बायस आज कराची कंबर शहदाद कोट थरपाकर हैदराबाद सांगढ़ बदीन थट्टा शहीद बेनजीराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं बारिश का सिलसिला आइंदा चौबीस घंटों तक जारी रहेगा न्यूज स्टूडियो से फिलोक्त इतना ही देखते रहिए एवियन न्यूज क्योंकि एबियन है कॉम की सोच